तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोन कैसे बनाया जाता है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो जो है पहले बना दिया है, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया हमसे कि सर एक कोन बना के बताइए। इसका बड़ा वाला जो डाया है वो है 1500। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1500, और यहाँ पे इसके बगल में मैंने 150 लिखा, मतलब 1500 को मैंने 10 से भागा दे दिया तो 150 आया है, ठीक है। और ऊपर का जो हमारा डाया है वो है 200 mm। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये है 200 mm, उसको मैंने क्या किया 10 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो वो 20 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, और इसका हाइट जो है वो है 3 मीटर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। इसका हाइट टोटल है 3 मीटर, तो मैंने 10 से वही डिवाइड किया तो 300 हो गया, क्योंकि हमारे पास उतना जगह नहीं है तो इसलिए मैंने उसे छोटा कर लिया है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको, देखिए ये 3 मीटर हाइट है, तो 3 मीटर आप एक ही प्लेट में कट नहीं करें, क्योंकि आपको रोलिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसे दो पार्ट में बनाना है। अब दो पार्ट में कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आप इस तरीके का लेआउट कीजिए। अगर आपको लेआउट करना नहीं आता है तो आप जो है हमारे चैनल पे जाके और देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर भी पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि कोन कैसे बनाना है, तो उसमें आपको लेआउट का भी तरीका बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो आप क्या करें, आप YouTube पे जाएं और वहां पे सर्च करें, आप बोल के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे फिटर की पूरी जानकारी और सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है वीडियोज में, और उसके बाद नीचे जाना है और आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां से वीडियो को निकाल के देख सकते हैं। तो उसमें मैंने पूरा लेआउट का प्रोसेस बताया हुआ है। तो इस तरीके का लेआउट कर लेने के बाद देखिए, ये टोटल हमारा जो ये यहां से लेकर के यहां तक जो हाइट है वो है पूरा 3 मीटर। तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे बीच सेंटर में, मतलब कि इधर से यहां तक 1500 पे मैंने यहाँ पे ऐसे मार दिया है, ठीक है। तो यहाँ का हमारा कितना आया, 85 आया है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इस फॉर्मूले के जरिए भी आप जो है कहीं का भी हाइट, कहीं का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1500 पे ये 85 आया, अगर यहाँ पे आपको निकालना है तो यहाँ का भी निकल जाता है उस फॉर्मूले से। यहाँ का निकालना है 2 मीटर का निकालना है, 3 मीटर, जितना का भी आपको निकालना डिस्टेंस वो निकल जाता है फॉर्मूला से। तो अभी मैं फॉर्मूला के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ लेआउट के प्रोसेस से ही बता रहा हूँ। अगर ऐसे भी आपको अगर फॉर्मूला जानना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मैं फॉर्मूला अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये 85 यहाँ पे आ रहा है हमारा, आप इसको लेआउट करके और टेप से चेक कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो हमारा कोन बन चुका है, एक हमारा है 150 बाय 85, और दूसरा हमारा कोन रहेगा 85 और 20 का, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और घंटी को बजा लीजिएगा। बहुत सारे लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, इसके वजह से उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेआउट कर दिया है टॉप वाला पार्ट का, जो कि है 85, और छोटा वाला डाया है हमारा 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी लेआउट कर लेना है। अगर आपको पता नहीं कि लेआउट कैसे करना है तो आप इसके पहले वाला वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया है कि कोन कैसे बनाना है, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। लिंक आपको अभी आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइडर से इसको पूरा जो है घुमा देना है गोल, जैसे मैंने यहाँ पर घुमाया है, ठीक है। और देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको इसे कटिंग कर देना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए, ठीक है। अगर आपको पता नहीं कि डिवाइडर से लेआउट कैसे करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए फाइनली हमारा कोन इस तरीके से बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये है दूसरा वाला, जो कि है हमारा 150 और 85 डाया है, ये मतलब नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेम वैसे ही लेआउट करना है, और लेआउट करके राउंड घुमाने के बाद आपको जो है इस तरीके से कटिंग कर लेना है प्लेट को, और उसको रोलिंग कर देना है। और रोलिंग करने के बाद तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारे पास दोनों कोन जो है रेडी हो चुका है। तो ये हमारा बॉटम का डाया, जो कि हमारा है 1500, मतलब 150 mm का, ये वाला नीचे का पार्ट है। और उसके बाद ये वाला जो है वो है 85 का, मतलब यहाँ का, ये देखिए ये है, मतलब इसको 850 मैंने मतलब पकड़ा था, तो 85 है ये हमारा। आपको क्या करना है, 85 है तो इंटू 10 करेंगे, तो मतलब मैंने क्या किया, डिवाइड 10 कर दिया है सब में, तो आपको क्या कर देना है, सब में इंटू 10 कर देना है। जैसे आप 10 से गुना करेंगे तो आपको जो है बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 85 है ऊपर का, और उसके बाद देखिए जो हमारा एक सेकेंड पार्ट है,
तो ये 85 और इसका भी डाया 85 है और ऊपर का ये 20 है, ठीक है। तो इसको इसका ऊपर ऐसे करके ऐसे रख देना है। तो देख सकते हैं हमारा कोन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। 150 हमारा नीचे का डाया है और ऊपर का 20 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोन बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और वीडियो आपको समझ में भी आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।